जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये शो हमारा नहीं, ये शो मतलब अपने शहरवासियों का, सबका शो है। ये सिर्फ विद्धि सिद्धि का शो नहीं है। आप सभी का मिलकर ये काम करना है और आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बच्चे आ रहे हैं? 25 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं जी, जयपुर से, बाहर के, बाहर के, उदयपुर का एक, अक्रॉस इंडिया से आ रहे हैं जी। एक्चुअल जो ऑडिशन हुए हैं हमारे अभिषेक जी ने किया है, वो ऑडिशन इनका जोशी जी ने वैसे बताया, मैसेज ये रहता है प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक दिव्यांग को जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसमें भी एक कला है, एक प्रतिभा है, वो दिखाना चाहते हैं हम उदयपुर वासियों को। नहीं, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये जो से सिलेक्ट हुए हैं वो ऑडिशन से सिलेक्ट हुए, वो एक्चुअली ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं। जितने भी बच्चे ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं और वो ऑल ओवर नेशनल लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम ऐसा एक कार्यक्रम, बहुत अच्छा आपने बात बताई है, ऐसा एक कार्यक्रम हम उदयपुर लेवल पे भी रखेंगे, जिसमें उदयपुर लेवल के बच्चों को हम लोग और एक मंच देंगे, जिसमें उदयपुर लेवल के जितने भी बच्चे, क्योंकि उदयपुर में भी बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं, उदयपुर में टैलेंट होता है, पर उदयपुर लेवल पे हम लोग उनको टैलेंट देंगे, उसके बाद में फिर हम उनको आगे किले करेंगे। तो ये सारा का सारा जो हुआ है वो सब टैलेंट उसके ऑडिशन के ब्याह पे सारे के सारे बच्चे सेलेक्टेड हुए, सबकी वीडियो क्लिपिंग कम से कम 200-250 वीडियो क्लिपिंग में से ये बच्चे छटके आए हुए हमारे पास। और ये बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे निकले, एक्चुअली वास्तव में उनको एक स्टेज, एक मंच की जरूरत है, उस मंच के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि कल आने वाले टाइम पे आज हमें हम उनको पहचान रहे, लेकिन आने वाले टाइम भविष्य में उनको लोग बाग पहचान सके, उनकी जो वास्तव में जो जो प्रतिभा है वो निखर के आ सके, इसकी वजह से हमने उनका ये टैलेंट शो रखा है। लोगों के लिए एक बनते हैं कि नहीं यार, कि आज ये व्यक्ति ये कर सकता है तो आज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो हमने छोटा सा प्रयास किया आप सबके सहयोग से, बस यही उदयपुर वासियों से कि आप सब लोग पधारिए बड़ी संख्या में, उन सब लोगों को आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यहाँ से आगे बढ़ता है, कहीं पे जाता है, जैसे किसी भी, कितने सारे टैलेंट शोज आते हैं इंडिया, टैलेंट शोज है और भी टैलेंट शोज है, उसमें कोई बच्चा परफॉर्म करता है, आगे जाता है, तो हमारे ट्रस्ट का पूरा पूरा सहयोग रहेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है भविष्य में, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर अपने टैलेंट के दम पर, अगर टैलेंट के दम पर जा रहा है और उसको पीछे आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो हमारे खड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव कम से कम 15-16 ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग काम करते हैं, विकलांग कल्याण भी है उसमें, हमारी उदयपुर में एक वैन चलती है जो कुपोषित और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको, 100 लोगों को रोज खाना खिलाती है वो, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग विभिन्न तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं, पर दिव्यांग वाला ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हम लोग ऐसे ही, मैंने आपको बताया जैसे कि हम वहाँ स्कूल में गए थे स्टेशनरी का आइटम देने के लिए, वहाँ पे बच्चों को इम्प्रेस किया, तब हमारे साथ में वो अभिषेक जोशी जी आए और रवि मल्होत्रा जी, इन्होंने बोला कि हम उनको एक स्टेज दे सकते हैं जिसपे अगर उनको स्टेज मिलेगा तो ये आगे अपना भविष्य बना सकते हैं उस स्टेज पे, तो उसके ब्याह पे फिर इन्होंने ऑडिशन लेके बोला कि एक प्रोग्राम आप ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर दिव्यांग को लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, वैसा एक पर्टिकुलर वो नहीं है, हम लोग दिव्यांग के लिए ही नहीं, मानव कल्याण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि धीरे धीरे हम किस तरह से आगे जा रहे हैं। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला, रिद्धि सिद्धि वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के प्रोग्राम के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। दिग्गज प्रोडक्शंस जो कि अब तक सिर्फ बच्चों के टैलेंट को टीवी पर लेकर आ रहा था, इस बार वो दिखाने के लिए ग्राउंड पे भी लेके आया है, दिग्गज प्रोडक्शन से अभिषेक जी, जिन्होंने, थैंक यू वेरी मच, आपने सुरीलो राजस्थान में भी मुझे मौका दिया और इस बार फिर से एक बहुत अच्छे से काम के साथ आपने मुझे अप्रोच किया। एक्चुअली अभी आपने से, आपने सर पूछा था कि और भी संस्थाएं काम कर रही है, तो सर इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि वो सारी संस्थाएं भी इस तरह के इवेंट्स करती है, एंड आपकी बात सही है कि इस तरह का इवेंट भी पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन सर एक चीज पे मैं आपका ध्यान दे देना चाहूंगा कि इस तरह के इवेंट में ये पहली बार हो रहा है कि सारे कमर्शियल लोग अपना अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके इस काम को कर रहे हैं, जिसमें चाहे सर हो जिनका अपना एक बिजनेस है, चाहे जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जिनका अपना काम है, या मैं हूं जिसे आप लोग कमर्शियल तौर पर ही हमेशा देखते हैं, तो हम सब लोग एक मौका हम लोगों को मिला जिसे अभिषेक जी ने और रवि जी ने इन्होंने मिलकर के दिया और हम सब लोग एक साथ एक मंच पर आकर के खड़े हो गए। रही बात जैसा कि सर ने भी पूछा था कि इन लोगों को रोजगार का क्या रहेगा, क्या एक मंच उपलब्ध करा के इसे खत्म हो जाएगा, सर मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं और इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, सर ये भी एक रोजगार है और बहुत अच्छा रोजगार है जिसमें शायद हम महीने के 4 दिन काम करते हैं और एक बहुत अच्छे मैनेजर की तनख्वाह उठा करके लेके जाते हैं, आई मीन इनकम टैक्स वाला बहुत बड़ा, बट हाँ यस, एक अच्छा काम हम लोग 4 दिन में हम लोग कर लेते हैं। तो जब ये बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों की तरह आपने कई सारे लोगों को टीवी पे टैलेंटेड लोगों को देखा होगा, वो लोग भी महीने के बहुत सारे काम नहीं करते, अगर आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसे शायद सुबह 10 से लेकर शाम को 8 तक रोजाना काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं जिस रोजगार की बात कर रहा हूँ उसमें वो अपने टैलेंट को अपने आप को खुश करके वो काम कर सकता है और
उतना पैसा कमा सकता है जिससे अपने घर की रोजी रोटी वो चला सके। तो शायद वो प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं जिससे कि वो बच्चे को कम स्ट्रगल में बहुत जल्दी वो सारी चीजें मिल सके और अच्छे लेवल पर मिल सके इज्जत के साथ। तीसरी बात, जैसा कि सर ने पूछा था कि उनके सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, सर मुझे नहीं लगता कि ये कागज की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब वो आपके द्वारा दी गई न्यूज के अंदर अपना नाम पढ़ते हैं, अपना वीडियो देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं। शायद ये पत्रकार वार्ता के बिना भी हम लोग ये इवेंट करते चल जाता, लेकिन आप लोगों के साथ में उन बच्चों को हम हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप लोग उन लोगों को एक अच्छे से कवरेज देंगे, अच्छा सा फोटो लगाएंगे, यकीन मानिए आप शहर के जितने भी संभ्रांत लोगों के फोटोज आप छापते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग उसको कितना शेयर करते हैं या कितना खुश होते हैं देख करके, लेकिन ये बच्चे या हमारे जैसे लोग जो कि आर्टिस्ट कैटेगरी के हैं, वो लोग अपनी फाइल में इसे लगा कर रखते हैं। जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो बड़े खुशी से बताते हैं, सर मेरा नाम यहाँ पर आया था। उस नाम के लिए आपके लिए वो सिर्फ एक नाम है, लेकिन हमारे लिए पूरा का पूरा करियर उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये हौसला आप ही लोग हमें दे पाएंगे। कुछ बातें जो ललित जी शायद बता नहीं पाए थे कि बच्चों का जितना आना जाना चाहे, कोई कर्नाटक से आ रहा हो, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जहाँ से बच्चा आ रहे, तो उनको आने जाने का जितना भी फेयर है वो पूरा ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है। इनके रहने की जो पूरी व्यवस्था है वो भी किसान भवन में की गई है। किसान भवन से इनको सुखाया रंगमंच तक लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। इनका खाना सब कुछ जो है वो ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। कुछ लोग जुड़े हैं साथ में, उन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया है। कुल मिलाकर ये कि सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं कि अच्छा इवेंट हो जाए। और जो बच्चों के हौसले बढ़ा, जब ऑडिशन लिए थे अभिषेक ने जिस तरह से, तो हम सोचते थे कि यार जो लोग जिनके हाथ पैर पूरे हैं तो अच्छा सा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास में हैं जिनको देख के हमको लगा कि यार वाकई में ये लोग नेशनल के इंटरनेशनल लेवल के, एक ज्यादा तो सबके लिए अलग तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कर्नाटक से एक लड़की है जिसका नाम कृतिका है और वो पंडित जसराज की जो है स्टूडेंट है और वो साधना करती है, मतलब एक तरह से संगीत की, और उसकी बांसुरी जब आप वापस सुनेंगे तो आपको लगेगा पंडित दशरथ जी बांसुरी वहां बजा रहे हैं। एक ग्रुप जो है बड़ौदा का है, वो चार दिन पहले टच में आया था, वो हालांकि ऑडिशन में तो नहीं आ पाएगा लेकिन स्पेशल परफॉर्मेंस की जरूर हम करवाएंगे। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था कि हमारा 8 लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर 4 से 5 लोगों के दोनों ही पैर नहीं है और व्हील चेयर पर डांस करते हैं, और वो अभी बड़ौदा में कुछ समय पहले एक कॉम्पिटिशन हुआ उसके अंदर उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर उनको डांस में फर्स्ट वो लोग आए थे उसके अंदर में, तो वो ग्रुप भी यहाँ पर आ रहा है। प्रज्ञा चक्षु से भी जो एक बच्चा है छोटा, वो भी परफॉर्मेंस तो नहीं है उसकी मतलब कॉम्पिटिशन में, लेकिन वो क्या नाम उसका करना है वो करो। एक जयपुर से है, एक फौजी है जो आर्मी से रिटायर्ड है और किसी दुर्घटना में उनका जो एक पैर था वो पूरा चला गया था, उसके बावजूद वो एथलीट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे कुछ भी करके शो के अंदर आना है, तो उन्होंने भी अपना वीडियो भेजा और वाकई में बहुत काफी प्रभावशाली उनका वीडियो था। वो भी शो के अंदर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएंगे और एक ही पैरल जिसका भी वो देशभक्ति या कुछ ऐसा अपना वो डांस दिखाएंगे, तो मतलब कुल मिला के देशभक्ति का भी यहाँ पर जज्बा होगा, कुछ फिल्मी दिग्गज प्रोडक्शन के साथ में हमारा ट्रस्ट कर रहा है और इसमें कई लोगों ने हमको सहयोग किया है, जिसमें नीम फाउंडेशन भी है, तिरुपति फिंसर है और एल सोजर स्कूल है, आदि समाज के लोग हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है इसमें। साथ ही इसमें नच बलिए फेम और इंडियाज गॉट टैलेंट फेम विनोद ठाकुर जी भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे और क्राइम पेट्रोल फिल्म गुलशन पांडे जी हैं वो भी आ रहे हैं इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। साथ ही तारक मेहता फिल्म योगेश माने जी है वो भी इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा शहरवासियों से आपके थ्रू कि जितने जल्दी ज़्यादा संख्या में हो सके वो इस मंच में आए, इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है, यहाँ पर आने के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पास नहीं है। धन्यवाद।